अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं और आई एम टेक्निकल टीवी। डियर व्यूअर, आपको एक दफ़ा बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और ये वेब डिज़ाइनर का कोर्स है, लोग इनको 15,000, 20,000, 25,000 तक जो है ना करवाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री टीच करूँगा। तो हम चलते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। तो पहले मैंने आपको बताया था वो कि हम अपने जो सबका लेसन में किस तरह दाखिल होंगे, तो यहाँ से राइट क्लिक करना है, ओपन मेड करना है और यहाँ से नोट पैड में जाना है। नोट पैड में ये मैंने आपको थोड़ा सा, मैं इसको पीछे से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा जहन नशीन हो जाए। ये HTML टैग है, HTML टैग को पहले और सबसे एंड में रखना है और उसके बाद हैड टैग और हेड और टाइटल। ये टाइटल हेड ओपनिंग हेड टैग जो है ना, टाइटल उसके नीचे लिखेंगे और हेड जो क्लोज टैब है उसके टाइटल के नीचे। तो बॉडी, बैकग्राउंड कलर, ये वो सब कुछ मैंने आपको बताया था, फॉन्ट कलर ब्लू, ये स्काई जो भी है ये भी मैंने आपको बताया था। हेडिंग का भी बताया है, हेडिंग क्या होती है, लाइन सेंटर, फॉन्ट कलर और जो भी, ये सब आपको बताया है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे काम करती है, इसको हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हम रूटीन में है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाएंगे। ये यहाँ पे ये UL, ये ऑर्डर लिस्ट का हुआ है, इसको हम अंडरलाइन UL और यहाँ पे हम, तो हम लिस्ट बनाते हैं लिस्ट लिस्ट पाकिस्तान लिस्ट क्लोज। तो अब इसको हम कंट्रोल एस करके वैसे ही सेव करते हैं, देखते आए हैं कि हमारा ये वहाँ पे बना है कि नहीं। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखेंगे आ गया है और ये लिस्ट टाइप बन गई है। अब दोबारा से हम इसको एडिट करते हैं, नोटपैड में जाते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज की लिस्ट बना दे, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लें ताकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। कंट्रोल वी, ये हमने बना लिया इसकी लिस्ट। इसकी लिस्ट बना ली है और इसका हम यहाँ पे नीचे नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कंट्री में टर्की रख रहे हैं, टर्की टर्की और टर्की और जापान और इंडोनेशिया और चाइना चाइना, ये हमने लिस्ट बना ली है। तो अभी हम इसको सेव करके देखते हैं, कंट्रोल है सेव करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे जाके अपने ब्राउज़र में आया कि हमारी लिस्ट बनी है कि नहीं। ये देखें, ये ऑर्डर लिस्ट है पाकिस्तान, टर्की, जापान, इंडोनेशिया और चाइना। अब इसके बाद हम इनके, ये तो ब्लैक ब्लैक सर्कल हैं,
और इसको हम जो है ना इसके सर्कल को भी चेंज करेंगे। इसको हम चाहते हैं कि सर्कल ना हो, स्क्वायर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी आखिरी लिस्ट पर स्क्वायर लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, इसकी एट्रीब्यूट टाइप्स, टाइप इज इक्वल टू वैसे ही और डबल कॉमास, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर एस क्यू ए आर स्क्वायर कंट्रोल एस। इसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, आया के देखते हैं। देखिए पहले ये ब्लैक डॉट है, तो इस ब्लैक डॉट की जगह पे हम अपनी जगह हमारे जो है ना अभी देख लेते हैं ये हमारा कंट्रोल एस ब्राउज़र में जाते हैं दोबारा से। ये देखें ये चेंज हो गए, ये स्क्वायर बन गए। अब हम इसके एक और एट्रीब्यूट लगाते हैं नोट पैड में जाके, स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे डिस्क कर देते हैं, डी आई एस डिस्क, कंट्रोल एस करते हैं वैसे ही और ब्राउज़र में जाते हैं दोबारा। ब्राउज़र ये देखें, ये हमारी डिस्क आ गई, डिस्क टाइप आ गई। उसके बाद हम दोबारा से जाते हैं नोट पैड में, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे इधर सर्कल होने चाहिए, सी आई आर सी एल ई सर्कल, कंट्रोल एस ब्राउज़र में रिफ्रेश। ये देखें यहाँ पे हमारे सर्कल लग गए हैं। तो इसके बाद हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हमें वही टैग चाहिए, यहाँ पे हम लिखते हैं यू यू एल नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं बोल्ड और यहाँ पे ले देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री। इसको हम वैसे ही बोल्ड जी और क्लोज कर देते हैं और उसको कंट्रोल एस करते हैं और आज जाके अपने ब्राउज़र में देखते हैं आया कि हमारा ये चेंज हुआ कि नहीं। और यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये पाकिस्तान पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री। तो ये ऐसे हैं। अब इसको दोबारा नोट पैड में जाते हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, इसी को हम बोल्ड भी करेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे, डेल भी करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट भी करेंगे और मुख्तलिफ तरीके से इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ मैं। यहीं पे हम कंट्रोल वी सॉरी वी 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 कंट्रोल नहीं करके हमने जो है ना इसको सारे को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हमने बोल्ड लिखा था, हम यहाँ पे कहते हैं कि अंडरलाइन हो, यहाँ पे हम जोर लिख देंगे। नीचे हम इसको क्लोज भी उसी टैग से करना है, यहाँ पे भी जोर लिखना है हमें और हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पे अंडरलाइन हो, यहाँ पे आई अंडरलाइन का है, यहाँ पे भी आई लिखना है आई। तो हम कहते हैं यहाँ पे डेल हो, यहाँ पे डेल लिखना है हमें
यहाँ पे भी डेल डेल, और नीचे नीचे हमने लिखना है ये हमारा कर्सर, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एस यू पी, और क्लोजिंग में भी हमने वही लिखना है सुपर एस यू पी, और इंटर करके हम यहाँ पे लिख एक और कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये आपको पता जब हम इसको पेस्ट करेंगे एस यू पी सब, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और इसके बाद हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में। ये देखें अभी तक कुछ नहीं हुआ, लगा जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सारा डाटा आ जाएगा। ये देखें ये अंडरलाइन किया हमने, इटैलिक किया इसको, ये देखें इटैलिक है, और इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, ये सारा कुछ जो है ना ये आपके सामने है कि कैसे हमने किया है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ